अमित है और जोगेन भी है। बहुत खतरनाक भीड़ है यहाँ पे सर। इधर के कंग्रेचुलेशन तो कॉन्वर जन्नो कंग्रेचुलेशन अमित। Hey guys, I hope all of you are doing fine and having an absolutely fantastic day. This is Wilson, aka Dr. Vlogger, and welcome to my channel. So, आज है 5th of May, कल हमारा convocation था, उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं, हम अभी कोलकाता में, आई मीन शियालदा में, हम लोग यहाँ से जाएंगे माँ मोरे, ठीक है, और वो हमारा आदिवासियों का एक पर्व है। तो हम बहुत 4 बजे जैसे ट्रेन पकड़े थे, 4:30 बजे जैसे ट्रेन पकड़े थे, और अभी हम लोग आए अपने दोस्त के हॉस्टल में। यहाँ से हम लोग ऊबर बुक किया और उसी से हम लोग जाएंगे माँ मोरे देखने। तो वो हमारे आदिवासियों का पर्व है, हम आप लोग को दिखाते हैं वो कैसे सेलिब्रेट होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार होता है, बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए, बहुत फेमस भी है। तो चलिए हम आपको अब आगे का सीन दिखाते हैं। मैं दोस्त भी आगे खड़े हैं, हम लोग बस गाड़ी का वेट करें, गाड़ी आने से हम लोग चढ़ के निकल जाएंगे। सो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, आगे का सीन दिखाते हैं। अलीपुर बॉडीगार्ड पुलिस लाइन, और साथ में मेरे अमित है और जोगेन भी है, लोगेन पॉल। आगे जाएंगे, आगे देखेंगे क्या क्या डेकोरेशन क्या है। पीछे में सारदी दी मिल गई थी, वो अभी जूनियर लोग के साथ आ रही है, और आगे कुछ ऐसा है। और सारदी दी आ रही है हमारे जूनियर के साथ आगे, और साइड में कोलकाता पुलिस लॉ इंस्टीट्यूट, और छोटा सा कम्पैक्ट जगह है, लेकिन भीड़ हो रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस तरफ शादी भी बता रही है, जाहिर खान है लिखा है ना, ये वाला जाहिर खान है यहाँ पर। यहाँ पे हमारे ओल्ड चिकी में संथाली में लिखा हुआ है कुछ किताब विताब, यहाँ पे टाइटल वाले शर्ट मिल रहे हैं, मतलब हमारा जो टाइटल है उसके बेसिस पे शर्ट मिल रहा है। अमित लोग आगे निकल जा रहा है, हमें तो ये फुरगलदा भी मिल चुके हैं हम लोग को, वहाँ पे साइन वाइन करवाए कुछ मेडिकल कैंप जहाँ पे था वहाँ पे हम लोग साइन करके आया है अपना नाम एंड फुरगलदा। और हमें तभी आगे हम लोग को दिखा रहे क्या क्या है घूमने के लिए यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बॉडीगार्ड लाइन कोलकाता। बात ऐसा है कि जगह बहुत ही छोटा है, कम्पैक्ट है, और ये पूरा फुल हो गया है, तो बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो भीड़ बढ़ती जा रहा है, जितना समय जा रहा है उतना भीड़ बढ़ती जा रहा है। और वहाँ पे छोटा मोटा फंक्शन चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, गाना प्रस्तुति दे रहे हैं, तो वो सब भी चल रहा है। हम कुछ गाने का डांस का वीडियोस अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेना, अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कैसा लगा। आगे देखते हैं, दीप्ति अच्छे खान है और बिपाशा अच्छे एखो ओर साथ देखा हलो। और इधर के कंग्रेचुलेशन तो कॉन्वर जो कंग्रेचुलेशन अमित के, कंग्रेचुलेशन वही जो अमित। एन हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो हम लोग यहाँ पे फुचका खाना है, फुचका खाइए और आगे देखेंगे क्या क्या खाने को मिलेगा तो खाएंगे, क्योंकि सुबह से हम कुछ नहीं खाए, खाना खाए और कुछ खाए नहीं है, तो सब खा के थोड़ा पेट भरेंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। इतना लेवल ऑफ भीड़, इतना क्राउड है, इतना कंजेस्टेड है, मुझे पता नहीं चला किधर जा रहा है। तो हम लोग फाइनली निकल रहे हैं, जितना घूमना था घूम लिया, कुछ ज़्यादा था नहीं यहाँ पे।
फाइनली हम हॉस्टल पहुंच चुके हैं, अभी बज रहा है एक बज रहा है। सो हम लाल गोला पकड़ के कोलकाता से आए, मेरा दोस्त वहीं पे रुक गया है जोगेन के साथ, मतलब मेरा दोस्त अमीन जोगेन के साथ रुका हुआ है हॉस्टल में। हम आ गए क्योंकि हमको रेस्ट का ज़रूरत था और भी कुछ बहुत कुछ प्लेनाना था। तो ऐसा है कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सोने जाएंगे क्योंकि कल सुबह उठ के बहुत कुछ करना है, फिर साइन वाइन करवाना है कंप्लीशन के लिए। ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे वीडियो में, मामोरे हम सोचे थे कोलकाता का है तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन छोटे से जगह में था इसलिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था। तो मैंने तो सोचा था इससे भी ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे पुरुलिया में हमने जो आदिवासियों का पर्व एक देखा था, आप लोगों को हम ऊपर में लिंक दे देंगे, आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो वो मैंने सोचा था वैसे ही कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ही कंजेस्टेड था तो हम लोग को ज़्यादा वो फील नहीं आया। लेकिन आई गेस वो फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब परसों और कल लेकर हो रहा था, तो शायद जो पूजा पाठ जो सब कुछ होता है जाहिर थान में एवरीथिंग एल्स, अगर हम लोग वो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों दिन जाते तो हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलता, सीखने को मिलता। लेकिन हम लोग जस्ट एंडिंग में जब गेट टुगेदर होता है, लोग मिलते हैं, नाच गाना होता है, एंडिंग के तरफ हम लोग गए तो उतना कुछ देखने को नहीं मिला, और वैसे भी छोटा सा था तो जो भी था अच्छा था, फाइन। हम लोग गए, दोस्तों से मिले, बहुत लोगों से मिले। आई गेस फेस्टिवल्स मतलब तो यही होता है कि आप नए नए लोगों से मिलोगे और पुराने लोगों से वापस मिलोगे, तो एक लाइक एक अच्छा सा फील आएगा, उनके साथ मिलोगे, घूमोगे, बात करोगे, अपने ओल्ड एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो ऐसे अच्छा। सो आई होप आप लोगों को यह ब्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम अगर नए व्लॉग्स अपलोड करेंगे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो हम यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, और भी मज़ेदार व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।